प्यारे दर्शकों का इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अज असी सोनालिका एग्रो सोल्यूशन वालों की किसानों लिए नवे नवे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, किस तरीके बेहतर उन्होंने अपलायंसिज जोड़े प्रदान किए जा रहे, नवी नवी टेक्नोलॉजी दी जा रही, जिद किसान जीवन जोड़ा लाहेबंद हो सके, उन्होंने जी फसल की बेहतरीन कीमत जी उन्होंने मिल सके। सो इस वास्ते बहुत सारे उपराले वो वास्ते गलबात करते जानकारी लेने हैं। मेरे नाल बैठे हैं सोनालिका एग्रो सोल्यूशन के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रांति दीपक शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सर सब तो पहला तो यह दसो साडे दर्शकों को कि किसान भरावां वास्ते सोनालिका एग्रो सोल्यूशन कि प्रोडक्ट जिहड़े आ तुहाडे कोल हैगे इन्हां वास्ते। बेसिकली देखो किसान अज दा बड़ा अच्छा ईवेंट रहा है जिहदे विच असीं काफ़ी इंप्लीमेंट्स वगैरह लॉन्च किए हैगे किसानों वास्ते। ये जिस तरह एडवांस इंप्लीमेंट्स की गल करिए, असीं बेलर एप्लीकेशनस दे लैके आए हैं, प्रसीजन प्लांटर लैके आए, रिवर्सिबल प्लाओ, स्ट्रॉ रीपर, चोपर और रोटावेटर की तो काफ़ी बड़ी रेंज है अपने को सोनालिका ग्रुप को से। डीलर ने काफ़ी पसंद किए है सारे, उन्होंने कुछ इनपुट्स आई हैं जिन्होंने असी R&D और साड़ी सर्विस की सारी टीम मिल के उस इनपुट को असी कन्वर्ट भी करते हैं। बाकी असी सारे पैन इंडिया की स्टडी करके ही इंप्लीमेंट डिजाइन होंगे। बेसिकली इंडिया के जी लैंड कंडीशन है डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट हैगी है, इस करके सानू इंप्लीमेंट्स नू जिहड़ा डिजाइन करना पैंदा वो पैन इंडिया नू ध्यान च रख के कहिंदा। लेकिन पंजाब हरियाणा स्पैशली कस्टमर काफ़ी अवेयर हैगा, जागरूक हैगा, एडवांस मशीन इंप्लीमेंट यूज़ करता है, तो इस करके अवेयरनैस बहुत ज़्यादा हैगी। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैगी पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच, तो सानू उहदे उत्ते फोकस रखना पैंदा हैगा। सर्विस दे उत्ते किस तरह प्रॉम्प्ट सर्विस दे सकीए, क्योंकि वन टाइम सेल नहीं आई, सानू रिपीटेड सेल लैनी हैगी आपां अपने डीलर तों, तो वो लिए की है कि कस्टमर के उत्ते सानू फोकस रखना पैंदा है। जी सर मैं थोड़े कोलों कि बहुत सारे जिहड़े डीलरस आ उन्होंने तुसीं इनवाइट किया और एक किस्म के ना उन्होंने नाल फीडबैक जिहड़ी वो लई। सोनालिका के जिहड़े प्रोडक्ट्स हैगे दूसरियां होर बहुत सारियां कंपनियां इस वेले मार्केट च, उन्होंने नालों किस तरीके नाल डिफरेंट है, किदां तुसीं क्वालिटी के उत्ते किस तरीके दे नाल काम करदे हो, उहदे बारे साडे दर्शकां नूं। बेसिकली साढ़े सोनालिका 1969 तो यह कंपनी इस्टैबलिश हैगी है, तो सिंस बिगनिंग फार्मर दे नाल कनैक्ट बहुत अच्छा इस कंपनी का। नई कंपनीज आदि उन्होंने स्टडी करने लिए मार्केट की रिसर्च करने वास्ते काफ़ी टाइम लगता, लेकिन सोनालिका जिस तरह थ्रैशर तो स्टार्ट होया, फिर ट्रैक्टर इंडस्ट्री के आई, ट्रैक्टर इंडस्ट्री 140 कंट्रीज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इसी तरह इंप्लीमेंट भी इन मोर दैन 50 कंट्रीज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उहदे नाल कि एक कस्टमर की जिहड़ी पल्स नूं समझना, उहदे उत्ते काम करना, उहदे वास्ते साडी जिहड़ी R&D की टीम है और फील्ड की और प्रोडक्ट डिवेलपमेंट की टीम बड़ी स्ट्रोंगली इहदे उत्ते काम करदियां हैगियां टीम्स। उहदे नाल कि प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट साडी, असीं कह सकदे हां कि कंपीटीटर नालों बैटर असीं प्रोडक्ट के उत्ते फोकस करके प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। जी सर चूँकि असी देखते हैं किसानों बहुत सारे अपलायंसिज इस वेले लेने पैंदे है, ता ही उन्हां दी खेतीबाड़ी जिहड़ी उह चलदी है। सो एक किसान लई कई वारी इह चीज़ां पॉसीबल नहीं हुंदियां, वड्डे किसान तां कई वारी इह चीज़ां अफोर्ड करदे आ, कई किसान संगठन भी इस तरीके नाल इह चीज़ां अपलायंसिज लैंदे, की सरकार वल्लों कोई सबसिडीज़ दा भी इहनां वास्ते प्रबंध हैगा, जे हैगा तो उह किस तरीके नाल? नहीं बहुत अच्छी तुसीं इह टॉपिक कीता भी बेसिकली इह जे सारी चीज़ जिहड़ी हैगी ना सिंगल फार्मर दे लई बड़ा इंपॉसीबल जिहा टास्क हुंदा कि सारी मशीनरी रखनी, जिस तरह कंबाइन है, रीपर है, रोटावेटर्स है, सारी इंडस्ट्री दे विच एक किसान वास्ते सारा इंप्लीमेंट बाय करना भी पॉसीबल नहीं हुंदा। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव हैगी, साडी जिस टेन्योर च गवर्नमेंट साडी BJP दी चल रही हैगी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट जिहड़ा हैगा फार्मर नूं प्रोवाइड किया और सेंटर दी काफ़ी अच्छियां स्कीम्स आ रही हैगियां जिहदे विच उन्होंने मोर दैन 50% ईवन 80% भी सबसिडीज़ वगैरह इंप्लीमेंट्स के उत्ते उन्होंने दित्तियां हैगियां। इस करके कि कुछ सोसाइटीज़ नूं भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, सोसाइटीज़ नूं उन्होंने फॉर्म कीतियां विलेजेस दे विच, ये कुछ विलेज क्लब करके सोसाइटीज़ अपने इंप्लीमेंट बाय करेगी, सोसाइटी नूं सबसिडी ज़्यादा हैगी है फार्मर्स दे नालों, तो उस तरह करके फार्मर नूं जो छोटे किसान हैगे उन्होंने सपोर्ट कर रही है स्कीम, तो गवर्नमेंट का बहुत वड्डा उपराला हैगा। इसलिए वी ऑलवेज थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इस तरह का इन्होंने उपराला किया है। वो कि इंप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी एक बूस्ट मिलता है कि अच्छे इंप्लीमेंट लैके आईए, फार्मर वास्ते अच्छी बैटर लैके आईए, तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी काफ़ी डिवेलप हो गई है, तो मोस्टली इंप्लीमेंट्स हम कॉन्ट्रैक्ट भी चलन लग पे है, सोसाइटियाँ भी जा रहे, तो गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हैगी जिद करके बिजनेस ग्रो भी हो रहा है। सर मैं थोड़े को यह भी जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर जो अपलायंसिज है बहुत सारे प्रोडक्ट नवे आ रहे, भारत के बच्चे का की स्कोप की देखते हो तुसी ओवरऑल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुसी रेज किया है वाला। देखो इंप्लीमेंट मैं कहूँगा जिस तरह इंडिया अज की डेट के असी 2-व्हीलर ले लईए नंबर 1, असी कार इंडस्ट्री ले लईए नंबर 1, ट्रैक्टर इंडस्ट्री नंबर 1,
इंडिया तो ही एक्सपोर्ट होकर बाहरली कंट्रीज़ के हम सारे वहीकल्स ऑटोमोबाइल हो गए ट्रैक्टर हो गए इंडिया तो ही जा रहे और पंजाब नंबर वन है ट्रैक्टर के ऑलरेडी कि पूरे और वर्ल्ड के सप्लाई हो रहा है। इस तरह इंप्लीमेंट का भी स्कोप इंडिया आने वाले टाइम काफ़ी बढ़ रहा है। हम सारे इंप्लीमेंट्स इतने इंडिया बन गए अच्छी क्वालिटी के इंप्लीमेंट बन गए और सारिया कंट्रिया के इंप्लीमेंट्स एक्सपोर्ट होंगे। इस करके इंप्लीमेंट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट कर रहा और असी उस फोकस के नाल कंपनी के प्रोडक्ट डिवेलप कर रहे हैं ताकि असी कम प्रोडक्ट बनाइए और इंडियन वास्ते भी और असी एक्सपोर्ट मार्केट वास्ते भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने दिए। की मैसेज साढ़े दर्शकों नूं किसानों नूं तुसी देना चाहोगे? देखिए किसानों नूं बेसिकली की है जो ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट्स नूं छड्ड के आपां जिहड़े एडवांस इंप्लीमेंट्स आ रहे उहदे उत्ते फोकस करना चाहिए फार्मरस नूं। उहदे नाल की है कि उन्हां दी फसलां भी साल च ज़्यादा लै सकदे उन्हां दा इनकम रेट भी वधदा हैगा तो गौरमेंट दीआं जिहड़ियां स्कीम्स हैं उहदे लई अवेयर होण जे नहीं अपना कंपनी नूं कॉन्टैक्ट करन असी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह पहले जी गौरमेंट से जो कुछ स्टार्टिंग दे सबसिडीज़ जो प्रोसेस से बड़े टफ होंगे सके लेकिन गौरमेंट ने इनू काफ़ी ईजी करता है इन्होंने प्रोसेसिज हूँ काफ़ी अच्छे सिस्टम्स है तो किसी भी फार्मर ने कोई जानकारी लेनी है कोई डीलर ने जानकारी लेनी कंपनी ने कॉन्टैक्ट करे असी उन्होंने अपडेट पूरा नॉलेज प्रदान करा पूरी साढ़े को टीम हैगी है जी ये बारे एक्सप्लेन कर सकती है उन्होंने बैटर वे दे कि अपना गौरमेंट दिन प्लैनस का सबसिडीज़ का फायदा उठा सकन। सो ये सन क्रांति दीपक शर्मा जी जो कि बिजनेस हैड ने सोनालिका एग्रो सोल्यूशन और बहुत बेहतरीन जानकारी साडे किसान भरावां नूं दित्ती कि किस तरीके नाल स्कीमां सरकार दीआं उन्हां दा बेहतरीन लाभ लै सकदे और ये बेहतरीन अपलायंसिस दे नाल अपनी फसल जिहड़ी है उस नूं बेहतरीन तरीके दे नाल जिहड़ा है उहदा लाभ लै सकदे किसानी नूं लाहेवंद बना सकदे। सो आस करदे हां जरूर किसान इस दा लाभ उठाणगे और सानूं अपनी फीडबैक भी दिंदे रहणगे साडे नाल गल्लबात करन लई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।